इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लूसी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने आई होती है और तभी लूसी की फ्रेंड जुजी उसे एक कॉफी शॉप पर ले आती है। इस शॉप पर दुआन पार्ट टाइम जॉब करता है। लूसी उसे देखकर हैरान रह जाती है। दुआन लूसी का वेलकम करता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ घूमने आए हो। फिर दुआन लूसी को मेन्यू कार्ड देकर कहता है कि तुम्हें जो ऑर्डर करना है कर लो। लूसी की फ्रेंड जुजी उससे कहती है कि ये लड़का कौन है, ये देखने में कितना हैंडसम और गुड लुकिंग है, क्या तुम इसे जानती हो। लूसी उससे कहती है कि ये मेरे भाई का दोस्त है। अब ये दोनों मेन्यू कार्ड देखने बैठ जाती है, लेकिन लूसी बार बार दुआन की तरफ ही देखे जा रही थी। फिर लूसी दुआन को खाने के पैसे देने आ जाती है। दुआन लूसी से पैसे लेने से मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। इस बात से लूसी बहुत खुश होती है। फिर जब लूसी खाना खा रही होती है तो तभी शॉप का ओनर दुआन के पास आता है। वो दुआन को एडवांस दे रहा था, जिससे पता चलता है कि दुआन को पैसों की बहुत जरूरत थी और इस बात को लूसी नोटिस कर लेती है, जिससे अब उसे दुआन की फिक्र होने लगी थी। फिर कुछ देर बाद यहाँ लूसी के स्कूल के कुछ लड़के आते हैं। ये लड़का वही है जो लूसी को स्कूल में पसंद करता है। जिहान दुआन को देखकर समझ जाता है कि वो लूसी का भाई है, क्योंकि उसने 3 साल पहले उसे स्कूल में देखा था जब लूसी ने उसे बुलाया था। अब वो उसे हेलो कहने लगता है और फिर लूसी से कहता है कि तुम इतनी गरीब हो कि तुम्हारा भाई यहाँ काम करता है। लूसी उससे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। फिर ये दोनों जिहान के साथ जाने लगती है, क्योंकि जिहान का आज बर्थडे है, उसने दोनों को पार्टी में बुलाया था। लेकिन तभी लूसी फिर से भागकर दुआन के पास आ जाती है। दुआन उससे कहता है कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो। लूसी उसे यहाँ पैसे देने आई थी। वो दुआन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए तुम्हें ये पैसे रख लो। दुआन उससे कहता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं तुमसे पैसा नहीं ले सकता। वो उसकी बात पर हंसने लगता है, लेकिन फिर लूसी उसकी टेबल पर पैसे रख कर चली जाती है। ये देखकर दुआन स्माइल करने लगता है और कहता है कि ये लड़की कितनी पागल है। यहाँ अब सब लोग पार्टी कर रहे थे, सब लोग जिहान को बर्थडे विश कर रहे थे और तभी जिहान यहाँ पर लूसी को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन तभी लूसी उसे रोक लेती है और फिर वो यहाँ से घर जाने लगती है। फिर जिहान भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जिसके बाद अब ये सब देखकर लूसी की फ्रेंड जुजी को जेलसी हो रही थी, जिससे जाहिर होता है कि वो शायद जिहान को पसंद करती है। यहाँ जिहान लूसी के पीछे पीछे आ गया था और तभी शॉप पर बैठा दुआन उन दोनों को देख लेता है। जिहान उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ और तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इतनी मेहनत की। लूसी उससे कहती है कि देखो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सब सुनकर जिहान रोने लगता है और तभी यहाँ पर दुआन आ जाता है। दुआन को देखकर जिहान यहाँ से चला जाता है। दुआन ने लूसी और जिहान की सारी बातें सुन ली थी। वो लूसी से कहता है कि तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें उसे ठीक से समझाना चाहिए था, और अगर कोई तुम्हें लाइक करता है तो इसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं होती है। और फिर दुआन उसे उसके पैसे वापस कर देता है। लूसी उससे कहती है कि आपको इसकी जरूरत है। दुआन कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं इतना हेल्पलेस नहीं हूँ कि मेरे पास अपना पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, और अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुमसे उधार ले लूंगा, और अब तुम अपने घर जाओ। और फिर इतना कहकर वो शॉप पर वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसी अपनी क्लास में बैठी होती है। लूसी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करना चाहती थी, लेकिन जुजी उसे कल वाली बात की वजह से इग्नोर करने लगती है। लूसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। टीचर स्पोर्ट इवेंट के लिए स्टूडेंट्स के नाम लिख रहे थे, क्योंकि स्कूल में कल स्पोर्ट इवेंट था, और तभी वो लूसी का नाम भी जंप के लिए लिख लेते हैं, लेकिन लूसी कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लूसी क्लास के बाद जुजी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जुजी अब भी उससे बात नहीं कर रही थी, जिससे अब लूसी को बहुत बुरा लग रहा था। अगले दिन स्पोर्ट डे शुरू हो चुका था, जिसमें जिहान रेस में दौड़ लगा रहा था और दूर खड़ी जुजी उसे चीयर अप कर रही थी। और तभी लूसी उसे देखकर समझ जाती है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि वो जिहान को लाइक करती है, लेकिन जिहान तो उसे लाइक करता है। कुछ देर बाद लूसी भी जंप के लिए जाने लगती है, लेकिन उससे पहले उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन का काम उसका भाई कर रहा था, लेकिन वो उसकी हाइट का मजाक बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि लूसी स्पोर्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
दुआन भी यहाँ बैठा होता है और फिर उसके कहने पर सायांग उसका रजिस्ट्रेशन कर देता है। फिर लूसी जंप के लिए जाने लगती है, लेकिन उससे पहले दुआन लूसी को एक कैप पहनाने लगता है और फिर उसे गुड लक कहता है, जिससे अब लूसी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब लूसी जंप के लिए जाने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है, वो जंप नहीं कर पाती। और फिर वो जब दोबारा से कोशिश करती है तो इस बार वो तेजी से जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके पैर में चोट भी लग जाती है। पैर में मोच आने की वजह से उसका भाई उसे अपनी पीठ पर कैरी कर लेता है। और तभी लूसी के टीचर दुआन को देखकर लूसी से कहते हैं कि ये तो तुम्हारा भाई है जो कुछ साल पहले यहाँ आया था। लेकिन फिर सायांग को देखकर कहते हैं, तो फिर ये कौन है? ये सुनकर सायांग तो हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, तभी लूसी अपने भाई का मुंह बंद कर देती है और टीचर से कहती है कि ये मेरे डैड हैं। ये सुनकर टीचर हैरान रह जाते हैं, वो सोचते हैं कि उसके डैड इतने यंग कैसे हो सकते हैं। फिर सायांग लूसी से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझ जैसे स्मार्ट लड़के को अपना डैड कैसे बता दिया। और फिर वो गुस्से में लूसी को दुआन की पीठ पर बैठा देता है, जिसके बाद दुआन लूसी को मेडिकल रूम में ले आता है और यहाँ पर उसकी इंजरी साफ करने लगता है, जिससे अब लूसी बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि दुआन कितना काइंड है। फिर कुछ देर बाद सायांग लूसी को पीठ पर बैठा कर घर ले जाने लगता है। और तभी लूसी देखती है कि दुआन दूसरी लड़कियों के साथ भी वैसा ही ट्रीट कर रहा था जैसा वो उसके साथ कर रहा था। इस बात से अब लूसी थोड़ी सैड हो जाती है। वो सोचती है कि वो सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा बिहेव नहीं करता और शायद सिर्फ मैं ही उसके लिए स्पेशल नहीं हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी क्लास में बैठी होती है। उसकी आज एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होती है, इसलिए वो अपने भाई को कॉल करके कहती है कि वो उसे लेने आ जाए। लेकिन सायांग उसे मना कर देता है क्योंकि वो बहुत बिजी होता है। वो उससे कहता है कि वो दुआन को उसे लेने भेज देगा। और तभी यहाँ पर जूजी आ जाती है। वो लूसी से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलोगी। और फिर इस बात से लूसी बहुत खुश होती है कि उसकी फ्रेंड अब उससे बात करने लगी है। लेकिन शायद जूजी तो किसी और ही इरादे से उसके पास आई थी। सो फ्रेंड्स, यही पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।